मुल्क भर में यौम दिफा आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा पर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 और सुबह दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और शहदा के लिए फातिहानी का सिलसिला जारी है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना और मुफक्कर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान और कौम के इस जज्बे और बहादुरी की याद दिलाता है, जिसका मुजाहरा करते हुए उन्होंने 55 साल कबल आज के दिन दुश्मन के नापाक अजायम को खाक में मिला दिया था। इस दिन हमारी बड़ी बहरी और फजाई अफवाज ने मिसाली जरूरतमंदी और पेशावराना महारत से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। आज के दिन पूरी कौम शुहदाए वतन को सलाम पेश करने के साथ साथ उनके अहले खाना के जज्बे इस्तकलाल को भी हिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की ताबनाक तारीख में 6 सितंबर का दिन हमारे बहादुर मुसल्ला फौज की जुर्रत और इसार और कुर्बानी की बेमिसाल जज्बे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। 55 साल कबल इस दिन हमारे पाक फौज के अफसरान, सिपाहियों, बैरिया के जवानों और फजाइया के शाहिनों ने गयूर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना दुनिया पर साबित किया कि वो हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने यौम दिफा के मौके पर पाक अफवाज को हिरासत तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुल्की सरहदों का दिफा और मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने जिस कदर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। डेप्टी स्पीकर कासिम खान सोरी ने कहा कि यौम दिफा कुर्बानियों की एक लाजवाब दास्तान है जो 1965 की जंग में पाकिस्तान के जवानों ने वतन के लिए लड़ते हुए पेश की। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर सरबरा पाक भैया ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी की याद दिलाता है। ये दिन हमारे शहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का आगाज है जो दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद साबित कलम रहे और इसके नापाक अजायम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोजा दौरा कराची, हेलीकॉप्टर से कराची में बारिश से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा भी किया। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। इस पैकेज के तहत पीने के साफ पानी की फरहमी, नालों की सफाई और बेघर अफराद की आबादकारी होगी और कराची सर्कुलर रेलवे भी इस पैकेज से मुकम्मल करेंगे। गवर्नर सिंध कराची में वज़ीर आज़म की सरबराही में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सिंध हुकूमत के मेगा मंसूबों पर मशावरत की गई और कराची की तामीर और तरक्की के लिए विफाक और सिंध हुकूमत का मिलकर काम करने का अज़्म किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि संजीदगी से देखना पड़ेगा के इलेक्ट्रिक मालकान के पास रहना चाहिए या उसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। वफाकी वज़ीर का कहना था कि खुशी हुई कि शहबाज शरीफ के दिल में कराची के लिए दर्द जागा, लेकिन शहबाज शरीफ कराची वालों के साथ हमदर्दी के बजाय आसिफ जरदारी के पास गए थे।